हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। तो फ्रेंड आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे जुलाई में कटिंग से लगने वाले प्लांट की। और फ्रेंड इन दिनों बरसात भी चल रही है तो हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है, तो आप इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड यह सिंगोनियम का प्लांट, सिंगोनियम को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि इसमें रूट्स एरिया होते हैं जिनको आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनकी ये रूट्स निकले होते हैं, तो आप इनकी एक इंच की भी कटिंग लगा दोगे तो वो भी कटिंग से ग्रो हो जाएगी। और इस तरीके की बोतल में ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो आप इस तरीके से सिंगोनियम लगा सकते हैं। उसके बाद आता है रियो प्लांट बोट लिली भी बोलते हैं इसको, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसका एक प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर लोगे, फिर इसके साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, एक से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो आप एक प्लांट निकाल के और लगा दीजिए तो आसानी से ग्रो हो जाए, तो आप रियो प्लांट भी आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसकी ज़्यादा केयर नहीं है और इसकी लीफ बहुत सुंदर लगती हैं। नीचे की साइड से पर्पल होती हैं, ऊपर से ग्रीन होती हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद आता है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट, ये भी फ्रेंड बहुत अच्छा होता है, इसमें दो वैरायटी आती हैं और ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए कितने अच्छे से ये मैंने भी ये कटिंग से लगाया था और कितने अच्छे से ये चल रहा है। इस जगह आप देखिए ये कटिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ से ही मैंने इस तरीके से कटिंग लगाई थी और फिर ये इस तरीके से घना हो गया। काफ़ी सुंदर ये देखने में लगता है, बहुत अच्छा प्लांट है। और फ्रेंड जितने भी प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ सारे इजी ग्रोइंग प्लांट हैं, इनकी ज़्यादा केयर नहीं होती है। आप अजवाइन का प्लांट भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इन दोनों कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, हर्ब्स प्लांट है। इसको आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं बरसात में तो उसमें इसकी पत्तियां डाल लीजिए, बहुत स्वाद आता है। वैसे भी इसकी पत्तियां दो तीन आप तोड़ के चबा लेंगे तो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट ये प्लांट होता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये छोटी सी मटकी में इसकी यहीं से कटिंग लेके लगा दिया था, तो कितने अच्छे से इसकी मटकी में भी कटिंग चल रही है, तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और ये देखिए यहाँ भी मैंने एक छोटे से पॉट में इसकी छोटी छोटी कटिंग लेके लगा दी थी तो बहुत अच्छे से लग गई है। देखिए कितना अच्छा ग्रीन हो रहा है, अभी गर्मी पड़ रही थी तो थोड़ा बर्न हो गया था। उसके बाद ये देखिए कितना सुंदर ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जेड प्लांट सबको पता है बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, हार्डी सा प्लांट है और छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाती है। मेरे पास इसका बहुत सारा कलेक्शन है, मैं इसका एक प्लांट लेके आई थी। आप इसके एक प्लांट से हज़ारों लाखों प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने टोपियारी वगैरह बना रखी है, देखिए मैंने पिकॉक बनाया है और ये देखिए सर्कल वाली टोपियारी, इस तरीके से बहुत सारा मेरे पास जेड का कलेक्शन है। ये ईजी ग्रोइंग प्लांट है, आप देखिए इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगा दीजिए तो ये लग जाता है। तो आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसकी ज़्यादा केयर नहीं होती है, फर्टिलाइजर वगैरह की भी जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। उसके बाद आप मॉस रोज पोचूले का भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये पर्सलेन के प्लांट भी, और इस तरीके से आप बेस्ट चीज़ों में इनको लगा लीजिए। तो मैंने फ्रेंड मैं तो रोड साइड से भी मुझे किसी बड़े गमले में दिख गई थी तो मैं वहाँ से भी इसको तोड़ लाई और मैंने इसकी टोपियारी वगैरह और टावर वगैरह बहुत चीज़ें बना रखी है, तो ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको कहीं कटिंग दिख जाए तो आप छोटी सी कटिंग ला के इसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फ्रेंड आता है स्नेक प्लांट, इसको सेंसीवेरिया बोलते हैं, आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसकी लीव कट करके लगा दीजिए या साइड से ये बेबी प्लांट्स निकालता है तो आप उनको निकाल के भी लगा सकते हैं। मैंने ये एक प्लांट लगाया था, अब इसमें चार पाँच प्लांट हो गए क्योंकि इसके साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, लो मेंटेनेंस प्लांट है। और फ्रेंड ये देखिए बरसात का मौसम चल रहा है तो कितना ग्रीन ग्रीन मेरा गार्डन हो रहा है। और उसके बाद फ्रेंड आप एक गुड़हल का प्लांट कटिंग से लगा सकते हैं, मैंने ये कटिंग से ही लगाया था और अब बरसात शुरू हो गई तो इसकी कटिंग कितने अच्छे से चल गई है, प्लांट बुशी हो रहा है और लीफ देखिए कितनी इसकी शाइनी हो रही है, कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो आप इन दिनों मोस्टली फ्रेंड ज़्यादातर प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, ये रेनिंग सीजन होता ही इसलिए कि आप कटिंग इसमें लगाइए, आपकी कटिंग अच्छे से चल जाती है। उसके बाद ये यूफोरबिया मिली का प्लांट आता है, ये भी बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसमें इस तरीके से फ्लावर खिलते ही रहते हैं और इसको फर्टिलाइजर की नीड नहीं है ना केयर की नीड है, आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये प्लांट आता है, इसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसमें दो वैरायटी आती हैं, ग्रीन लीव होती हैं उसकी और एक ये वाली। उसके बाद
साथ आप बोगनवेलिया का प्लांट लगा सकते हैं, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए मैंने कटिंग से ही लगाया था, अब इसकी भी ग्रोथ चल गई है। और एक ये है, ये पहले से मेरे पास था, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर खिलते हैं, जो मैंने पहले दिखाया था उसमें येल्लो कलर के फ्लावर खिलते हैं। उसके बाद ये टिकोमा वाइन है, आप इसको भी लगा सकते हैं, बेल है, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाती है फ्रेंड। आपको इसकी कहीं कटिंग मिल जाए, इसमें नॉट एरिया होते हैं, तो आप इसको कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। इस पर बहुत अच्छे फ्लावर खिलते हैं ऑरेंज कलर के, और बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं, और तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और टिकोमा प्लांट भी आता है फ्रेंड, ये बेल है, ये बेलनुमा प्लांट है, और एक प्लांट भी आता है। उसके बाद फ्रेंड ये कैलेंचो का प्लांट है, कैलेंचो भी आप कटिंग से डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट लगा सकते हैं, और बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, तो आप इसको भी कटिंग से लगा लीजिए। सर्दियों में इससे बहुत अच्छे फ्लावर खिलते हैं, देसी वैरायटी का है। उसके बाद फ्रेंड मनी प्लांट भी आप कटिंग से, इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगा के ढेर सारे मनी प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। देखिए छोटी सी बोतल में मैंने हॉर्लिक्स के ये डिब्बा है, इसमें मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, और कितने अच्छे से ये मेरा चल रहा है, और रूम के अंदर ये मेरा रखा रहता है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड ये देखिए इस तरीके से। तो बाय बाय फ्रेंड।